ठेकेदार के अनावश्यक हस्तक्षेप से अखाड़ा बना नगर पंचायत कार्यालय। नगर पंचायत छुटमलपुर कार्यालय में आज हुई मारपीट का कारण इम्तियाज नाम के एक ठेकेदार का अनावश्यक हस्तक्षेप बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ महिलाएं चेयरमैन के घर किसी काम से गई थी, जिन्हें लेकर सभा की देवरानी साजियां, जो उसकी सगी बहन भी है, महिलाओं को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन के पास पहुंची। महिलाओं के काम के बारे में जैसे मून की पत्नी ने अपनी बहन समा से बात कर रही, तभी इम्तियाज नाम के एक ठेकेदार ने बीच में दखलअंदाजी शुरू कर दी, जिसे मना किया गया। लेकिन आरोप है कि उसने मोनू की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर मारपीट हो गई और कार्यालय कुछ देर के लिए मैदान जंग बन गया। पुलिस की ओर से दोनों पक्षों से मोनू व इम्तियाज के विरुद्ध 107 116 की कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि नगर पंचायत में कोई पहला वाक्य नहीं है। इससे पहले भी नगर पंचायत में कई सभासदों द्वारा ये इम्तियाज नामक व्यक्ति पर यह भी आरोप लगाया कि पहले भी इसके द्वारा कई बार इस तरह की गतिविधियां नगर पंचायत के कार्यों में देखने को मिली हैं। वंदे भारत से विशेष कुमार कुरेजा की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मेरा नाम शाजिया है। जी, क्या मामला था आपका? मैं रिश्ते में चेयरमैन की बहन हूँ। कुछ लेडीज मेरे पास घर आई और उन्होंने मुझे अपना मामला बताया। वो चेयरमैन के लिए चेयरमैन को फोन करती हैं, वो फोन नहीं उठा पाती। चार चार दिन हो जाते हैं, लेडीज थक के बिचारी अपना पर्सनल मामला कुछ उनसे शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि चेयरमैन उनका फोन ही नहीं उठाती, ना वो टाइम पर मिलती हैं। वो ऑफिस जाती हैं तो ऑफिस में उनका कोई सुनवाई नहीं होती। मैं आज इसी चर्चे में चेयरमैन के पास गई अपनी बहन से बात करने के लिए। मुझे उनसे कुछ बात करनी थी उन्हीं लेडीज के बारे में। क्या आप उन लेडीज की बात सुन लें, उनसे कुछ बात करें। इसी बीच उनके बराबर में जो ठेकेदार बैठा हुआ था इम्तियाज, उसने मुझसे बात की। वो मुझे जाते ही उसने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। बोला कि साली आधी घर वाली, आओ साली साहेबा। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। मुझे गुस्सा आया, मैं उससे नाराज हुई। मैंने उसे दो चार बातें कही। इस बीच उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे पर हाथ उठाया। पीछे से मेरे हस्बैंड ने आके मुझे प्रोटेक्शन दिया और उसने बहुत गाली गलौज की, मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसने हमें जान से मारने की भी धमकी दी है। क्या ये पूरा प्रकरण नगर पंचायत में ही हुआ है? जी, ये सारा काम नगर पंचायत में हुआ है। उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष का क्या कहना है, चेयरमैन है, उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि जो बात करेंगे ठेकेदार करेंगे। मैं सवाल करना चाहती हूँ, वो ठेकेदार हैं, चेयरमैन से ही लेडीज बात करेंगी। ठेकेदार का कोई इंटरफेयर इस मामले में नहीं हो पाएगा। कोई लेडीज जा रही, वो बराबर में बैठा रहता है, कोई अपनी पर्सनल बात लेडीज कर नहीं पाती। लेडीज की बहुत पर्सनल बातें होती हैं कि वो सिर्फ चेयरमैन साहब से ही बात करना चाहती है। इसी मसले में मैं वहां गई थी। तो जो ये कार्रवाई हुई है, इसमें थाना अध्यक्ष द्वारा क्या कार्रवाई की? जवाब दे है तो आपने कोई तहरीर दी? जी, हमने अपनी तहरीर दी है, लेकिन वो उस तहरीर में हमारा कोई मेडिकल नहीं हुआ। मेरे बहुत चोटें भी आई हुई हैं, इसमें हमने बहुत कोशिश की है कि मेडिकल किया जाए, लेकिन उन्होंने हमारा कोई मेडिकल नहीं करवाया। जी, आपका नाम? मेरा नाम बानो है जी। पद? सभासद जी। बताइए बानो जी, आज जो नगर पंचायत में ये जो मामला हुआ है, जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मामला था ये पूरा? सर, मैं तो जब भी वहां जाती हूँ वो वहीं बैठा मिलता है चेयरमैन के पास, ताकि हम जो जैसे वहां पहुंचते हैं हम भी चेयरमैन से बात नहीं कर पाते। इसमें आपने कभी विरोध करा है इस बात का? जी, हमने बहुत विरोध करा। वो एक दिन ये भी कह रहा था कि मैं जान लेनी भी जानता हूँ और देनी भी जानता हूँ। इसमें चेयरमैन महोदय से आपने जब बात करी है तो उनका क्या कहना है? चेयरमैन महोदय कहती है कि मेरे लिए तो जो भी है इंतजाज ही है, जो करेगा यही करेगा। तो ये क्या है, आप ही को परेशानी देखने को मिल रही है सभी? जी, सबको, पूरी पब्लिक को। किसी का फोन नहीं उठाती, ना किसी से बात करना पसंद करती है वो। तो आप क्या चाहती हैं, क्या इसमें क्या करोगे? मैं ये चाहती हूँ जी, इंतजाज वहां से, ठेकेदारी जो ठेकेदार इंतजाज है वो नगर पंचायत से हटना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। हमें ठेकेदार वो नहीं चाहता नगर पंचायत में।